एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. प्रैक्टिस सेट 2.5. अब हमारा पहला क्वेश्चन है, fill the gaps and complete the table. Okay, there are some gaps, again fill in the blanks. तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ax² + bx + c = 0. हमें इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0. ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. मुझे इनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पता है, डिस्क्रिमिनेंट्स की, विच इज b² - 4ac कहा गया है, ये है +5, और दूसरे में कहा गया है b² - 4ac = -5. ये कहा गया है मुझे. अब मुझे पूछा गया है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ फ्रूट्स. नेचर ऑफ फ्रूट्स इसमें पॉजिटिव है, सो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, और इसमें नेगेटिव वैल्यू आई है तो नॉन रियल रूट्स. दैट्स इट. हम सिर्फ डी के बेसिस पे या डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे चेक करते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आई है, जीरो आई है या नेगेटिव आई है. पॉजिटिव आई है तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, नेगेटिव आई है तो इट हैज नॉन रियल रूट्स. नेक्स्ट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5. ये गिवन है. क्या सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7 और गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to 5. I need to find out the value of quadratic equation. Quadratic equation क्या होती है? वो होती है x² - sum of roots. Sum of roots मतलब कि -7 into x + product. Product कितना है मेरा पास? मेरे पास 5 = 0. तो ये हो जाएगा x² - (-7x) + 5 = 0. So this is the required value of my quadratic equation. नेक्स्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x² - 4x - 3 = 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास. मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करनी है. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता करनी है. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a विच विल बी इक्वल टू -b. कितना है? -4 डिवाइडेड बाय ए. कितना है? x² का कोफिशिएंट, दैट इज 2. ये हो जाएगा +4/2 विच इज इक्वल टू 2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 2. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी c/a, दैट इज इक्वल टू c. कितना है? कॉन्स्टेंट, दैट इज -3. डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. ओके, अब मुझे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और मुझे उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज को पता करना है. डिस्क्रिमिनेंट मतलब अगेन b² - 4ac. अब पहली इक्वेशन है मेरे पास x² + 7x - 1 = 0. x² + 7x - 1 = 0. इसके अंदर अगेन मैं लिखूंगा कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0. मैं इसको इससे अगर कंपेयर करता हूं, व्हाट विल आई गेट? ए विल बी इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट, दैट इज 1. B will be equal to x का coefficient, that is 7, and C will be equal to -1. यह A, यह B, यह C. अब मैं क्या करूंगा, मुझे b² - 4ac की वैल्यू पता करनी है, because that is discriminant. So discriminant will be equal to b² - 4 times of ac, which will be equal to b² कितना है? 7 का square - 4 into a is 1, C is -1. 7 का square is 49, -4 into 1, 4 into -1 कितना हुआ? -4 - -4 = +4, which is equal to 53. So discriminant is +53. Next is
2y square minus 5y plus 10 is equal to 0. 2y square minus 5y plus 10 is equal to 0. This is our question number 2. और ये था उसका first और ये है उसका second. अब इसकी अगर बात करें, इसके अंदर अगेन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax square plus bx plus c हम ये लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी, y square का coefficient that is 2, b हो गया y का coefficient that is minus of 5 और c होगा constant that is 10. यह है a, यह है b, यह है c. अब मैं क्या करूंगा, discriminant will be equal to b square minus 4ac which will be equal to minus 5 का square minus 4 into a मतलब कि 2 और c कितना है 10. So this is equal to 5 का square कितना होता है 25, minus 5 का हुआ तो भी वो positive ही होने वाला है, minus 4 to that 8 into 10 is 80, so ये हो जाएगा minus 80, so this will be equal to 55. ये आई है हमारे discriminant की value 55, so minus 55, so discriminant हमारा आ रहा है negative. Next is under root of x square plus 4x plus 2 root 2. इसी का थर्ड देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब a कितना है मेरा 2, अंडर रूट ऑफ 2, b है मेरा 4 और c है मेरा 2 रूट 2. अब मैं क्या करूंगा, अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac व्हिच इज इक्वल टू b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा रूट 2 और c कितना है मेरा अगेन 2 टाइम्स ऑफ रूट 2. सो इसकी वैल्यू अगर हम देखें, सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 इन 4 इंटू रूट 2 इंटू 2 रूट 2, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इज 4 इज 16, तो ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 इज 0, सो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0. अगर मुझसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा होता तो इसके लिए मेरे पास आते 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. क्यों? क्योंकि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो पॉजिटिव आया है. इसके लिए मेरे आते हैं नॉन रियल रूट्स क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है, और इसके लिए आते थे टू इक्वल एंड रियल रूट्स क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो हमारा एक ही वैल्यू दो बार आती है रूट्स में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला कि अगेन हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, वी नीड टू फाइंड आउट कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाला है. अब थर्ड क्वेश्चन इज, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हुई मेरी पहली इक्वेशन. अगेन मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यू नीड टू राइट इट. a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 1, b हो जाएगा x का कोएफिशिएंट मतलब कि -4 और c हो जाएगा कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू +4. अब a b और c की वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट कर लिया है. सो अब मैं क्या करूंगा, अब आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट. सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 और c इज अगेन 4, दिस विल बी इक्वल टू -4 का स्क्वायर इज +16 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 विच इज इक्वल टू 0. एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 वी विल हैव द रूट्स आर इक्वल एंड रियल. जो दो रूट्स होगी वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होगी और रियल रूट्स हमें से मिलेगी. दिस इज थर्ड का फर्स्ट. इट्स सेकेंड इज 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर a, b और c क्या हो गए, अगेन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आई विल गेट a इज इक्वल टू y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट दैट इज -7 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 2. यह है a, यह है b, यह है c. a, b और c की वैल्यूज आ चुकी है. अब मैं क्या करूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करूंगा, तो b स्क्वायर कितना है
माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए इज टू एंड सी इज अगेन टू. सो दिस विल बी इक्वल टू सेवन का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस फोर टू द एट, एट इंटू टू इज 16. सो दिस विल बी इक्वल टू 49 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 33. 33 आई है मेरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू विच इज पॉजिटिव. सो इट विल हैव द रूट्स आर टू या फिर वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स या फिर वी कैन ऑल्सो द रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल या फिर द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. यू कैन यूज आइदर ऑफ द सेंटेंस. अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ. इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो. एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो. अब अगेन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट ए इज इक्वल टू वन, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होगा एम का कोएफिशिएंट मतलब कि टू, और सी क्या होगा कांस्टेंट मतलब कि नाइन. ये है ए, ये है बी और ये है सी. अब मुझे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए सी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वन और सी कितना है नाइन. ये कितना आ रहा है फोर माइनस फोर इंटू नाइन इज 36 which is equal to minus of 32. As the discriminant is negative, the roots are non-real or we can say imaginary. पर इसको non-real roots हम कहेंगे क्योंकि जो value है वो negative आ रही है and discriminant cannot be negative क्योंकि वो जो discriminant होता है वो root के अंदर वाली value होती है. Now moving on to the fourth question. फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. अब मुझे कुछ रूट्स गिवन है, मुझे उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है. पहला है 0.4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट. रूट्स है मेरे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0.4. यस, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी द रूट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब कि मैंने सिर्फ अल्फा और बीटा को बोल दिया कि मान लो कि अल्फा और बीटा है मेरे जो भी रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स. अब मैं क्या करूंगा, अल्फा को मैंने मान लिया जीरो है और बीटा जो है दैट इज इक्वल टू फोर. अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू जीरो प्लस फोर दैट इज इक्वल टू फोर. अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास फोर. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा वो कितना हो जाएगा जीरो इंटू फोर विच विल बी इक्वल टू जीरो. मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है मेरा जीरो. अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स of into x plus product is equal to 0. x square minus sum कितना है मेरे पास 4 into x plus product कितना है 0.
is equal to 0. तो मेरी quadratic equation आ रही है x square minus 4x is equal to 0. This is the required quadratic equation. Moving on to the next one. मेरे पास आगे अब जो the roots given है they are 3 and minus 10. Again same है, सिर्फ roots है 3 और minus 10. ये हो जाएगा 3 comma minus 10. अब मैं अल्फा और बीटा मान ले रहा हूं कि रूट्स ऑफ रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अल्फा इज 3 एंड बीटा इज माइनस 10. अब मैं सम ऑफ रूट्स पता करूंगा, वो क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है 3 प्लस माइनस 10. 3 प्लस ऑफ माइनस 10 मतलब कि 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 7. सो ये है माइनस 7 और अल्फा इंटू बीटा क्या कितना हो जाएगा, अल्फा इज 3 बीटा इज माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 30. अब अगेन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, दिस इज द सेकेंड वन, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ द, यू नीड टू राइट इट इन द सेंटेंस फॉर्म, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है माइनस ऑफ 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके मेरे पास रूट्स है 3 और माइनस 10. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज ओके. मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में एक रिलेशन पता है, वो क्या है कि सम ऑफ जो द रूट्स जो है वो उसके प्रोडक्ट के डबल है. सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्या कहा गया, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज ओके, सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट. अब सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k. एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इज इक्वल टू 0. ये है मेरे पास, सॉरी k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मतलब कि a, b और c को अगर मैं देखूं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0. अगर मैं इसको इससे compare करूँगा, x square का coefficient कितना है 1, a हो जाएगा 1, bx x का coefficient कितना है minus of 4k, so b हो जाएगा minus of 4k, ये पूरा है x के साथ, और constant हो जाएगा ये पूरा मतलब कि k plus 3, ये हो जाएगा constant की value. अब मुझे क्या पता है कि सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट. सो सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, गिवन सम ऑफ रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट, यही उसका मतलब हुआ. सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, इजंट इट, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए, यही हो जाएगा वो. अब ये ए ए हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, इफ यू वांट टू कीप इट इट्स फाइन, बट एनीवेज इफ 1 आ रहा है तो वो एनीवेज हट जाएगा, दोनों तरफ 1 आ जाएगा. तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी, माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी. मैं लिख सकता हूं बी कितना है मेरे पास, माइनस 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी, कितना है मेरे पास 3k प्लस 3. तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, आई विल गेट माइनस 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6. इसको अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं LHS में, ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6k इज इक्वल टू 6, k विल बी इक्वल टू
माइनस ऑफ 6 अपॉन 6 विच विल बी इक्वल टू माइनस 1. सो k की वैल्यू होगी माइनस 1. अब k की वैल्यू आ गई है, हमें पता करना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेट, फाइंड k इफ द इक्वेशन इज दिस. ओके, k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये होगी. अगर हमको बोलते ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, सो वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 1 इन दिस इक्वेशन, और फिर हम पूरी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, बट सिर्फ k की वैल्यू पूछे, सो इट्स फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ओके अब मुझे एक इक्वेशन गिवन है और मुझे अल्फा और बीटा कहा गया है कि उसके रूट्स है, मुझे फाइंड आउट करनी है कुछ इक्वेशंस की वैल्यू. अब वो इक्वेशन कौन सी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे निकालना है, और दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. मेरे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब अगेन सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आई विल गेट a इज इक्वल टू 1, b कितना होगा y का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2, और c हो जाएगा कांस्टेंट दैट इज माइनस 7. यह है a, यह है b, यह है c. इन तीनों की वैल्यूज मुझे मिल चुकी है. अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा ये तो गिवन ही है रूट्स है, तो दिस विल बी, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है c बाय a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 है हमारे c की वैल्यू, और a इज 1 विच इज इक्वल टू माइनस 7. तो ये है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू. मुझे सबसे पहले निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है कितना है 2, तो मैं स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो सकता है, दैट वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4. मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मुझे पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए. तो मुझे यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 अल्फा बीटा को यहां भेजूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. कितना है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, हमने ये देखा था विच इज माइनस 7, माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, माइनस 2 इंटू माइनस 7 इज प्लस 14 विच इज इक्वल टू 18. 89 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू. अब हम निकालते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, बिकॉज दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मुझे निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 2, अगेन टेकिंग क्यूब on both the sides, अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले रहा हूं, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8. अब यहां मुझे सिर्फ अल्फा और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो इस पूरी टर्म को मैं उस तरफ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब will be equal to 8 minus 3 times of alpha into beta. कितना है मेरे पास minus 7 into alpha plus beta. कितना है मेरे पास 2. So this is equal to 8 minus 7 into 3 is 21. 21 into 2 is 42. और ये हो जाएगा positive 42. क्यों? क्योंकि minus 7 into minus 3 plus 21 और plus 21 into 2 is 42, which will give me 50. So alpha cube plus beta cube is equal to 50. So, इस तरीके से अगर मुझे रेज टू द पावर 4 पूछा होता, तो मैं उसका फोर्थ
स्क्वायर निकालता, अगर मुझे 5 की पावर चाहिए होती तो मैं इसका 5/5 पावर निकालता. अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया है उसकी वैल्यूज हमें निकालनी है और बाकी सब कुछ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाता है.